हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिक इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आज की वीडियो में। एंड गाइस, बात करें आज की डेली कैंडल के बारे में, बिटकॉइन की जल्दी से बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। हमारे चैनल पर तरह तरह की चीज़ें सिखाई गई कि ये सब जो रिसर्च होती है कैसे की जा सकती है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। यूडेमी पे कोर्स है, उसकी सेल चल रही है। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। मैं किसी को भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया पर अपने नाम से या अपना ऑप्टिक इन्फ्लुएंसर्स का एडमिन बता के आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। और अगर मांगूंगा तो वो अलग चीज़ें होती हैं, वो बिजनेस डील होती हैं, वो ऑफिशियल तरीके से होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप बच के रहेगा, वो स्कैमर्स और फ्रॉड्स हो सकते हैं। मैं किसी भी अपने सब्सक्राइबर, फैंस, ऐसे पैसे नहीं मांगू, ठीक। तो बेसिकली योर मनी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैट यू थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग, ठीक। बात करते हैं बिटकॉइन की कैंडल को लेकर। तो फिलहाल के लिए जो आज की कैंडल की क्लोजिंग है बहुत मायने रखती है हमारे लिए, ठीक। मायने क्यों रखती है, देखिए ये कैंडल अभी तक तो काफ़ी ग्रीन थी और ऊपर की ओर थी, बट 58,500 थी। पर करेंटली ये जो कैंडल है 58,065 चल रही है और ये एक डोजी बन रही है। डोजी आप लोग जानते हो ना किसको कहते हैं, जब बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट को किस साइड लेके जाना है, ठीक। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ है वो मुझे जो लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि हमें 53K दिखना ही चाहिए। 53,000 तक हम हो सकता है आ जाएं या 55,000 दोबारा आ जाएं, तो कहने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ से अच्छे भी हो सकता है। तो क्लोजिंग का वेट करना है इस कैंडल की। अगर ये डोजी ऊपर की ओर संकेत देती है तो भी अच्छी बात है, नीचे की ओर देती है तो हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ को लेकर। तो पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो ये है कि बिटकॉइन माइनर प्राइम ब्लॉक इन टॉक्स विद मर्ज विद 10x SPAC। तो प्राइम ब्लॉक जो है बिटकॉइन माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जो टॉक्स में मतलब बात कर रही है आजकल स्पेशल पर्पस के लिए 10x कैपिटल वेंचर एक्विजिशन कॉर्प के साथ। और इस पर इन क्रिप्टो को लेकर इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो रही है, विच इज सेट टू टेक प्राइम ब्लॉकचेन पब्लिक एंड वैल्यू द कंबाइंड एंटिटी एट रफली 1.5 बिलियन, सेट सम ऑफ द पीपल। तो प्राइम की ब्लॉकचेन अपनी उसकी जो टोटल वैल्यू वो 1.5 बिलियन तक हो सकती है। अभी जो मेन चीज़ है ना आज की वो ये है, बारबाडोस टू बिकम फर्स्ट कंट्री ग्लोबली विद एन एम्बेसी इन द मेटावर्स। समझ रहे हो ना आप, मेटावर्स की दुनिया में अब एम्बेसी खोल दी है बारबेडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन ट्रेड लिंक इंक द डील विद डिसेंट्रलैंड, यानी कि अ पॉपुलर क्रिप्टो पावर डिजिटल वर्ल्ड इन्वॉल्व इन द मेटावर्स। यानी डिसेंट्रलैंड की बात हो रही है यहाँ पे, माना की बात हो रही है। माना को लेकर काफ़ी बुलिश न्यूज़, आपको पता है माना जैसे कॉइन के बारे में हमने आज नहीं कल नहीं बहुत पहले बताया था, आज से 6-7-4 महीने पहले बता दिया था आपको। माना जो है बहुत ही यूनिक काम कर रहा था उस समय, अगर उस समय किसी ने सुना होगा तो भाई आज बहुत बढ़िया मोटे प्रॉफिट में बैठा होगा, ठीक। मानन तब से शायद आई थिंक 10x 5x की तो रैली दी है। जॉर्डन पीटरसन ने और बिटकॉइन लिया है, कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन बी डैम्ड। तो फिलहाल के लिए इस पूरी न्यूज़ का एक ही निष्कर्ष है, जॉर्डन बी पीटरसन बहुत फेमस आदमी है और आपको पता है ये मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जाने जाते हैं, बुक्स लिखी इन्होंने काफ़ी। हिलेरी क्लिंटन सेज क्रिप्टो कुड अंडरमाइन डॉलर एज वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। तो फॉर्मर डेमोक्रेटिक नॉमिनी हैज़ इशूड अ स्टार्क वार्निंग ऑन क्रिप्टो करेंसी, इस पर एक वार्निंग दी है और बोला है कि हो सकता है ये दिक्कत करे। यू कैन इमेजिन क्रिप्टो पीपल हु वुड पुट दिस ऑन देयर बिलबोर्ड एड्स हैज़ द पोटेंशियल फॉर डीस्टेबलाइजिंग नेशंस। तो हिलेरी क्लिंटन ने जो बोला है उसको लेकर काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, और उन्होंने क्रिप्टो को जो है अगेंस्ट बोला है, वो चीज़ भी है। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्टर कार ऑक्शन हाउस RM Sotheby's टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसीज। RM Sotheby's की बात हम बहुत पहले कर चुके हैं कि RM Sotheby's जो है कलेक्शन मतलब कार्स का पुरानी मतलब एंटिक चीज़ों का होता है उसको बेचती है, तो वो करेंटली क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने की सोच रही है। स्नूप डॉग डेडमॉ 5 ज्वाइन आउटलर वेंचर्स टू इन्वेस्ट इन द मेटावर्स। मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो रही है, आपको पता है मेटावर्स में अभी दोबारा बात नाम आएगा डिसेंट्रलैंड का, सैंड बॉक्स का, इन सब का नाम आएगा। तो ये सभी बहुत बड़े बड़े जो हैं प्रोजेक्ट हैं और अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग विजडम ट्री की। तो ये लॉन्च करने वाला है क्रिप्टो ऑफरिंग्स आने वाले दिनों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर, हाउ डीफाई कैन ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक। तो उसको लेकर यहाँ पर एडवेंचर फर्म टाइप से काम किया जा रहा है। एक और चीज़ है, प्लान बी इंसिस्ट बिटकॉइन विल हिट 98,000 बाय एंड ऑफ नवंबर इवन एज मार्केट्स फॉल। तो उन्होंने ये बोला है कि हमारा प्रेडिक्शन जो अभी भी है, अब देखने वाली बात ये होगी क्या होता है, परफॉर्म करता है कि नहीं। 20 तारीख आज हो गई,
तो 20 तारीख के बाद अभी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, देखते हैं क्या होता है कि नवंबर के एंड में क्या बिटकॉइन 90,000 जाएगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ से 70% की रैली होनी चाहिए आज, मतलब आज के दिन से तब तक हमारे पास 70% बिटकॉइन को उठना चाहिए। अब देखते हैं ये चीज़ कैसे होती है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो पता चलेगी। तो बेसिकली अब देखने वाली बात होगी, वो तो हमें देखने को ही पता चलेगा, तो इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए आज की न्यूज़ में इतना ही, मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हाँ कल संडे है, कल स्पेशल वीडियो आएगी। जैसा कि हमेशा मैं कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता हूँ संडे को एक अच्छी वीडियो लाने की, तो भी कल आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।